हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस टुडे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस द न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग टू कंडक्टिविटी एंड टुडे वी discuss the effect of dilution on conductance, conductivity and molar conductivity. Generally, we know that in electrolyte solution, electrolyte solution, current flow due to ions. It is clear, in electrolyte solution current flow due to ions. Clear? तो यहां पर dilution का क्या effect होता है, उस चीज को अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करें अपन किसके regarding, conductance के regarding। तो यहां पर relation आता है conductance directly proportional to dilution. Conductance directly proportional to dilution. That means on dilution increase, dissociation increase, then conductance also increase. ये जनरल वे बात की अपन ने, कंडक्टेंस पे किसी का भी इफेक्ट नहीं होता, ओनली क्या होता है वहां पर जैसे डाइल्यूशन करेंगे तो वहां पर क्या होगा, डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आइंस इंक्रीज होंगे, उस कंडीशन में क्या होगा आपका कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। जिसे मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ आइंस, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ आइन होंगे दैट मीन्स करंट उतना फ्लो होगा उसमें, उतनी क्या होगी आपकी कंडक्टेंस होगी। Clear? So in sense of conductance, on increasing the dilution, dissociation increase, then number of ions increase, then finally conductance also increase. Clear beta? Next आपका आता है conductivity. इसकी बात करते हैं बेटा अपन, conductivity. देखिए इसमें conductivity इससे डिपेंड करते हैं इसको अपन कप्पा से। इसके लिए जो रिलेशन आता है आपका कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, क्लियर। जैसे अपन डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं उस वे में आपकी कंडक्टिविटी जो कप्पा है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब कैसे डिक्रीज होती है वो समझो, आप अपने पास में ये कंटेनर राइट, इस कंटेनर में अपने पास में क्या फिल कर रखा है अपन ने, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन राइट, क्या इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, क्लियर। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या है अपने पास में, फिक्स है। वॉल्यूम है वो क्या है आपका, फिक्स है। वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, जितना अपन ले रखा है उतना अपने पास में फिक्स है, क्लियर। देन ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन जो आपका वॉल्यूम होता है, क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है। इस कंडीशन में वॉल्यूम अपना फिक्स है, अब ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ आइन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आइन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं अपने पास में यहां पर,
डिक्रीज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं अपने पास में, डिक्रीज हो जाते हैं। क्लियर? दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है, क्या बेटा, जो कंसंट्रेशन है, क्या हो गया, जो कंसंट्रेशन है वो तो क्या होगी अपने पास में, डिक्रीज होगी, और जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया। देखो बेटा यहां पर ध्यान समझो इसको, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अपन ने गिवन है, उसका पहले से वॉल्यूम आपका फिक्स है कि अपने इतने से पार्ट में अपने पास में गिवन कंसंट्रेशन अवेलेबल है। अब अपन क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ आयन, सॉरी ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो वहां पर जो आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, राइट। पर वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पर जैसे डाइल्यूशन करेंगे, सबको डाइल्यूशन किससे करेंगे, पर वाटर से, तो यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, बढ़ेंगे, और जो उसके रेशो में आपके इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन से वो क्या हो जाएंगे आपकी, कम हो जाएंगे, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, ज्यादा हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ता है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, उस कंडीशन में आपकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। ध्यान दो, इन केस ऑफ कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज बट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आल्सो डिक्रीज, देन कंडक्टिविटी आल्सो डिक्रीज, राइट। क्लियर? भाई पर्टिकुलर जितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, पहले सपोज अपने पास में 100 ml में 50 आयन थे, कितने थे अपने पास में 50 आयन, ध्यान देना बेटा, 100 ml में क्या है अपने पास में 50 आयन, अब डाइल्यूशन कर रहे हैं तो आयन थोड़ी बढ़ेंगे, आयन इंक्रीज नहीं होंगे, क्या इंक्रीज होगा उसका, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज एंड कंसंट्रेशन डिक्रीज, देन कंडक्टिविटी आल्सो डिक्रीज। क्लियर? ये तो आपका केस था कंडक्टिविटी का, बात क्लियर होगी। अब देखिए इसमें थर्ड केस है आपका कौन सा, मोलर कंडक्टिविटी, इसकी बात कर रहे हैं अपन, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, लैम्डा एम, क्या होती है, लैम्डा एम, राइट। इसका जो रिलेशन ऑब्टेन होता है वो क्या होगा, लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। ऐसा क्यों है, ध्यान दीजिए, वी नो डेट लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन, कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी, राइट, एंड वी नो डेट 1 अपॉन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वॉल्यूम, 1 अपॉन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वॉल्यूम, देन लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू वी, कप्पा इनटू वी, क्लियर। देन ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज एंड लैम्डा एम इंक्रीज, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज एंड लैम्डा एम इंक्रीज, दैट मीन्स फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इज डिक्रीज, कंसंट्रेशन सॉरी वॉल्यूम इंक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज एंड मोलर कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज। अब यहां पर रिलेशन क्या है, देखो बेटा लैम्डा एम एंड वॉल्यूम दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ बीच में अपने पास क्या आ रहा है, कप्पा। अब आप कोई कप्पा भी तो आपको क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ाने पर कप्पा तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बट यहां पर जितना आपका वॉल्यूम बढ़ता है उस रेशियो में कप्पा बहुत कम होता है। देखो इधर
वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जैसे मान लो आपका 4 इंक्रीज हुआ, क्या हुआ वॉल्यूम, इस वाले केस की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना इसको, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ आपका 4, तो वहां पे कप्पा कितना होगा आपका, लगभग 1 ही होगा, कप्पा क्या होगा आपका 1 डिक्रीज होगा, ये रिलेशन था अपने पास में, कप्पा क्या होगा 1 डिक्रीज होगा, क्लियर। और अगर वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है कितना 1, तो अपने पास में कप्पा क्या होगा बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, लगभग 5-6%। तो प्रैक्टिकली यहां पर ये क्या आता है, तो दोनों वेरिएबल्स है उसमें से जो मोर डोमिनेंट है वो कौन है, वॉल्यूम है। देखो वॉल्यूम, पिछला वाला जो रिलेशन है वो देखो आप, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था तो कप्पा क्या हो रहा था आपका डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज तो कप्पा क्या होगा आपका डिक्रीज, और वॉल्यूम डिक्रीज तो कप्पा क्या होगा आपका इंक्रीज। इसका जो रिलेशन आ रहा है इस वाले केस में, यह वाले में क्या आ रहा है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उस रेशियो में कप्पा बहुत कम डिक्रीज होता है, और वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उस रेशियो में कप्पा बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों वेरिएबल्स में से, कप्पा और वॉल्यूम में से, कौन ज्यादा मोर डोमिनेंट हुआ, वॉल्यूम इज मोर डोमिनेंट, मोर डोमिनेंट। तो यहां पर जो रिलेशन आया वो क्या आएगा, लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो डायल्यूशन पे क्या इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा आपका, लैम्डा एम इंक्रीज हो, क्लियर। ऑन डायल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज, एंड मोलर कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज, क्लियर। ये कप्पा वाला क्लियर हो गया, कप्पा यहां पर वेरी कर रहा है, बट क्या कर रहा है, बहुत ही कम वेरी कर रहा है, इसलिए इन दिस केस वॉल्यूम इज ए मोर डोमिनेंट, और जो डोमिनेंट ज्यादा होता है वही आपका फैक्टर वर्क करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिलेशन चेंज होता है, देन वॉल्यूम इंक्रीज एंड मोलर कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज, क्लियर। अब यहां पर बात करते हैं अपन कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो रही है, ऑन डाइल्यूशन इंक्रीज हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, अपने लिखा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन बट एट लिमिट डाइल्यूशन, एट लिमिटेड डाइल्यूशन इट इज कॉन्स्टेंट, इट इज ए कॉन्स्टेंट। एक लिमिट डाइल्यूशन पर, एक मैक्सिमम डाइल्यूशन पर क्या हो जाती है, ये कॉन्स्टेंट हो जाती है। दिस डाइल्यूशन, दिस डाइल्यूशन इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्लियर। एक मैक्सिमम डाइल्यूशन पर क्या होता है, ये कांस्टेंट हो जाती है, देन दिस डाइल्यूशन इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी आल्सो कॉल्ड, आल्सो कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड डिनोटेड बाय लैम्डा इनफाइनाइट और लैम्डा इनफाइनाइट एम, लैम्डा इनफाइनाइट और लैम्डा इनफाइनाइट एम, इट इज क्लियर। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन बट एट लिमिट, मतलब मैक्सिमम डाइल्यूशन पर क्या हो जाता है, ये कॉन्स्टेंट हो जाता है। दिस डाइल्यूशन इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन,
ऑन इनफाइनाइट डायल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी आल्सो कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन विच इज डिनोटेड एज लैम्डा इनफाइनाइट और लैम्डा इनफाइनाइट एम. दैट इज क्लियर. नाउ दिस डायल्यूशन रिलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी दिस डायल्यूशन रिलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कैटेगराइज इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कैटेगराइज इन टू टाइप्स दैट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट strong electrolyte and second is weak electrolyte right. For strong electrolyte lambda m is obtained very high at normal concentration and on dilution no change. समझो इसको electrolyte solution divided into two part strong electrolyte and weak electrolyte. For strong electrolyte at normal concentration lambda m is obtained maximum and on dilution lambda m does not change. Clearly this is called strong electrolyte. And for weak electrolyte lambda m value is obtained very low at normal concentration. But on dilution, it is increased for weak electrolyte at normal concentration lambda m is obtained very less and on dilution it is increased. This is called weak electrolyte. That means जो आपका electrolyte solution है उसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया strong and weak. उसको अपन ने अगेन किससे डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद dilution. की dilution पर उसकी मोलर कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है. तो यहां पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है वेरी हाई होती है तो डाइल्यूशन पर कोई चेंज नहीं होगी. यहां पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है वेरी लो होती है जैसे डाइल्यूशन करेंगे ये क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज. क्लियर. दिस इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड ऑल्सो वी एक्सप्लेन द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन and also define the strong electrolyte and weak electrolyte according to their molar conductivity. Clear? आज के लिए इतना ही. आपको क्लियरली समझ में आया होगा. वीडियो को आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू क्लास.